ढककर पका लीजिएगा इसको, अच्छे से पक जाए उसके बाद कैप्सिकम ऐड करिए। उसके बाद वन बाय वन सभी मसाले ऐड करते जाइए। कितना आपको क्वांटिटी लेना है वो सारा यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम भी रख सकते हैं। अभी इसको भी आप पका लीजिएगा ढककर अच्छे से पक जाए। उसके बाद आपको जो वेजिटेबल्स को आपने बॉईल किया है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पर टमाटर का भी मैंने क्वांटिटी लिख दिया है कि कितना लेना है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करिए आप। तो हमारा ये बिना ऑयल का पाव भाजी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी अच्छे से मसाला ग्रेवी भी रेडी हो गई है। तो अभी हम जो बॉईल किया हुआ वेजिटेबल्स है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है, अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। और थोड़ा आप टेस्ट कर लीजिएगा स्वाद में कैसा है, नमक मिर्ची वो सब वो टेस्ट करिए। और उसको 10 मिनट के लिए ढककर अच्छे से पका लीजिएगा। ये पाव भाजी को आप पाव के साथ भी खा सकते हैं या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।